हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजू हब पॉइंट। यहाँ पर मिलती हैं आपको आप कैरियर से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन। तो मैं आपके सामने एक बार फिर प्रेजेंट हूँ एक नई वैकेंसी के साथ। ये वैकेंसी एक प्राइवेट कंपनी टाटा स्टील, जिसका आपने नाम सुना हुआ होगा, बहुत ही बड़ी कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है। इसने एक नोटिफिकेशन रिलीज किया है और ये जो नोटिफिकेशन है ये असिस्टेंट इंजीनियर ट्रेनी के लिए रिलीज किया गया है। ये कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरेशन के लिए इन्होंने वैकेंसी रिलीज किया है। ये 2 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरेशन इसमें रहेगा, लेकिन 2 ईयर का एक्सपीरियंस आपके बहुत काम का होगा, क्योंकि अगर आप फ्रेशर हैं तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका जो एंगेजमेंट होगा वो प्योरली टेम्प्ररी बेसिस पर होगा, आप रेगुलर एम्प्लॉय की तरह पे और पक्ष के लिए इसमें कोई क्लेम नहीं कर सकते हैं। और मैं बात कर लेता हूँ किस डोमेन के लिए आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो सिविल, सिरेमिक, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, मिनरल प्रोडक्शन और जो भी एनी अदर ब्रांचेज हैं इंजीनियरिंग की, वो सब के लिए आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। इसका जो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन और जो इसकी एलिजिबिलिटी रहेगी वो ये रहेगी कि आपने बीई, बीटेक और बीएससी इंजीनियरिंग की डिग्री आपके पास होनी चाहिए और 0 ईयर एक्सपीरियंस मतलब कंपलसरी, कोई एक्सपीरियंस में कंपलसरी नहीं होगा। और आपकी जो डिग्री है वो फुल टाइम डिग्री होनी चाहिए, करेस्पॉन्डेंस कोर्स से आप डिग्री आपकी नहीं होनी चाहिए। और आपकी जो स्कोर मिनिमम होना चाहिए, अगर आपके पास सीजीपीए है तो 6.5 सीजीपीए होना चाहिए, और यदि परसेंटेज बेसिस पर आपको मार्क्स मिले हैं तो 65% आपका बीई, बीटेक या फिर बीएससी इंजीनियरिंग में होना चाहिए। पीडब्ल्यू कैंडिडेट भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसका जो एज क्राइटेरिया रहेगा, आपकी एज 30 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और रिजर्वेशन तो प्राइवेट जॉब में वैसे भी नहीं होता, तो ये सबके लिए 30 ईयर्स ही रहेगी। और जो आपकी जो 30 ईयर्स का जो कट ऑफ क्राइटेरिया है वो 17 फरवरी 2019 रहेगा। इसमें आपको जो एमोलमेंट और ट्रेनिंग पीरियड में मिलने वाला है वो है 28,000 पर मंथ फर्स्ट ईयर के लिए, और जो सेकंड ईयर के लिए होगा वो होगा 30,000 पर मंथ। और इसके अलावा आपके जो मेडिक्लेम स्कीम है वो इसमें कवर होगी, जैसे हॉस्पिटलाइजेशन कवरेज होगा वो 2,50,000 पर एनम होगा। इसके अलावा जो ओपीडी कवरेज होगा वो 6,000 पर एनम होगा। इसके अलावा जो अदर गाइडलाइंस हैं वो मैं बात कर लेता हूँ। सारे सेलेक्टेड कैंडिडेट की वेरिफिकेशन होगा कंपनी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, और नो रिमरमेंस रिलेटेड टू ट्रैवल विल बी मेड टू कैंडिडेट इन दिस प्रोसेस। तो ट्रैवल अलाउंसेस आपको नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा कैंडिडेट हु आर फाउंड इनएलिजिबल एज पर द लेट डाउन क्राइटेरिया एट एनी स्टेज ऑफ सेलेक्शन प्रोसेस विल बी इमीजिएटली डिसक्वालीफाइड फ्रॉम फर्दर सेलेक्शन प्रोसेस। आप किसी भी स्टेज पर अगर इनएलिजिबल पाए जाते हैं तो आपको वहाँ से डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा। और टाटा स्टील एम्प्लॉय ऑन परमानेंट रोल आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस जॉब अपॉर्चुनिटी। अगर कोई पहले से टाटा स्टील का एम्प्लॉय है तो उसमें अप्लाई नहीं कर सकता है। इसके अप्लाई करने के लिए आप टाटा स्टील इंडिया .com पर जाएँ, वहाँ पर कैरियर के ऑप्शन पर जाकर अपनाऊ अप्लाई नाउ पर क्लिक करें। इसके बाद आप अप्लाई फॉर जॉब इंटर्नशिप पर क्लिक करने के बाद एप्लीकेशन टैब को सेलेक्ट करने के बाद वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जो इसकी लास्ट डेट रहेगी वो 17 फरवरी रहेगी। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो उसको शेयर करें, इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास पहुँचाएँ जिनको जॉब की सख्त रिक्वायरमेंट है। और अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।